दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो को देखिए, नकली हृदय कैसे काम करता है। दोस्तों यूं तो मेडिकल साइंस ने कई सारे अलग अलग तरह के चमत्कार किए हैं, लेकिन जब बात आर्टिफिशियल हार्ट यानी नकली दिल की आती है तो विज्ञान के इस चमत्कार की वजह से लोगों को नई जिंदगियां मिल रही हैं। क्योंकि यदि किसी एक्सीडेंट या फिर बीमारी की वजह से आपका हार्ट फेल हो जाए तो इस कंडीशन में एक ही उपाय बचता है और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट का। पर दोस्तों सही समय पर सही डोनर का मिलना पहाड़ में चींटी को खोजने के बराबर है, क्योंकि एक तो डोनर मिलना मुश्किल हो जाता है और अगर डोनर मिल भी गया तो उससे मरीज का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता। ऐसे में जब तक किसी मरीज को कोई डोनर नहीं मिल जाता तब तक उसकी समस्या के समाधान के रूप में आर्टिफिशियल हार्ट उसके शरीर में लगा दिया जाता है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये नकली दिल काम कैसे करता है? क्या ये हमारे असली दिल की तरह ही होता है या फिर इसकी फंक्शनिंग अलग होती है? इन सब के बारे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर हम आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में बात करें तो इसे VAD यानी वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस के तौर पर जानते हैं। दोस्तों ये एक तरह का पंप होता है जिसके जरिए दिल के नीचे के चैम्बर से खून शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचता है। जब दिल को जिंदा रखने का कोई और विकल्प नहीं बचता तो ऐसी स्थिति में इसी आर्टिफिशियल हार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रोगी के असली हार्ट के डायफ्राम के नीचे ही लगाया जाता है। दोस्तों इस आर्टिफिशियल हार्ट को दिल के दाहिने या बाएं या दोनों भागों में लगाया जा सकता है। असल में ये डिवाइस पंप की तरह ही तो काम करता है, जो दिल के बाएं हिस्से से ब्लड को खींच कर बाहर निकाल देता है। दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल हार्ट होता है इसे केबल के माध्यम से एक्सटर्नल पोर्टेबल सिस्टम से भी जोड़ा जाता है, जिसके लिए पेट में चीरा लगाकर केबल निकाली जाती है। दोस्तों ये एक्सटर्नल डिवाइस एक बैटरी और एक कंट्रोलर होता है, जिसकी वजह से मरीज को एक बैग उठाकर रखना पड़ता है जिसमें एक्सटर्नल डिवाइस रखी जाती है। ये आर्टिफिशियल हार्ट सही से काम करे इसके लिए बैटरी को समय समय पर बदलना भी बहुत जरूरी है। आपको बता दे, आर्टिफिशियल हार्ट वाली ये सर्जरी काफी हद तक सफल हुई है और कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो सालों साल इस नकली दिल के साथ जीवित रहे। हालांकि अपने साथ आर्टिफिशियल हार्ट को मैनेज करना, एक्सटर्नल डिवाइस को लेकर चलना बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश हैं कि मेडिकल साइंस की वजह से उन्हें एक नई जिंदगी जीने का मौका तो मिला। अब दोस्तों अगर हम हृदय या दिल की बात करें तो ये हमारे शरीर का वो अंग है जो हमारे मुट्ठी के बराबर होता है, जो एक मिनट में करीब 70 बार धड़कता है। लेकिन एक पल के लिए अगर दिल के धड़कने बंद हो जाएं तो इंसान का अंत सामने आ जाता है। वैसे दोस्तों हम अपने दिल को कई तरह की चीजों के लिए बदनाम कर देते हैं, जैसे कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, मेरे दिल में उसके लिए नफरत है, वगैरह वगैरह। दोस्तों हम आपको बता दें, हमारा दिल किसी भी इमोशन से भरा हुआ नहीं होता, बल्कि इसका असली काम तो खून को साफ करके पूरी बॉडी में पहुंचाना है। दोस्तों अक्सर यही दिल कई सारी बीमारियों की वजह भी बन जाता है। ऐसे में ये जानना हम सभी का हक है कि आखिर हमें जिंदा रखने वाला दिल काम कैसे करता है। हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिले हुए ब्लड को अपनी तरफ लाकर उसे ऑक्सीडाइज करता है। और जब ये ऑक्सीडाइज ब्लड शरीर के अंदर फैलता है तो शरीर में मौजूद कोशिकाओं को नई जिंदगी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये उनके साथ साथ हमारे शरीर में पोषण भी सप्लाई करता है। ये जो हमारा हृदय लगातार बिना रुके धड़कता रहता है, ये उसके अंदर मौजूद चार खाली चैम्बर की वजह से होता है। दोस्तों ये चारों चैम्बर दिल के बहुत ही खास हिस्से होते हैं। अगर आप इन तस्वीरों में देखें तो आप चार चैम्बर देख रहे होंगे। ऊपर के छोटे भाग को एट्रियम कहते हैं, जहाँ राइट एट्रियम और दूसरी तरफ लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे का जो थोड़ा बड़ा चैम्बर है उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं। यही चार चैम्बर हृदय से ब्लड को लाने और ले जाने का काम करते हैं। हमारे शरीर में पाइपनुमा कोशिकाएं होती है जिसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं कैसे हृदय से ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड हमारे शरीर के निचले हिस्से से आता है और नलिकाएं हृदय में ऊपर की ओर भी जाती हैं, जो शरीर के ऊपरी हिस्सों से खून को हार्ट तक लेकर आती हैं। दोस्तों हृदय तक खून को ले जाने वाली नसों को वेन्स कहा जाता है, और हृदय से हो चुके ऑक्सीजनेटेड और हाईली न्यूट्रिशियस ब्लड को बॉडी तक पहुंचाने का काम आर्टरीज का होता है। आइए अब देखते हैं बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसे हृदय में आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। वेन्स बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करने का काम करती है और फिर इसे राइट एट्रियम में गिराती है,
ये जो ब्लू रंग दिखाई दे रहा है ना, ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो राइट एट्रियम में जाता है, और जब ये पूरी तरह से ब्लड से भर जाता है तो उसे नीचे वाले चैम्बर में भेजा जाता है। नीचे वाले चैम्बर में ब्लड को ले जाने के लिए वाल्व लगे होते हैं, और ये वाल्व तब तक बंद रहते हैं जब तक नीचे वाला दायां वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फैलने ना लगे, और जब ब्लड ऊपर वाले दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में आता है तब ब्लड दिल की धड़कनों की वजह से पल्मोनरी वेन में आ जाता है, और फिर पल्मोनरी वेन से ब्लड फेफड़ों की तरफ बढ़ता है क्योंकि फेफड़ों में ताजा ऑक्सीजन मिलती है, और वहां से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से हृदय की तरफ बढ़ाता है, और जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसका रंग थोड़ा लाल हो जाता है। इसी पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों से हृदय की तरफ जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से खून हृदय से फेफड़ों की तरफ जाता है। जब ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हृदय की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले बाएं एट्रियम की तरफ गिरता है। इसके नीचे वाले वेंट्रिकल में तब तक नहीं गिरता जब तक वो पूरी तरह से फैल नहीं जाता। दोस्तों, नीचे वाले बाएं वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजन सहित एक नली में जाता है जिसे एरोटा कहते हैं, और इसी वजह से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है क्योंकि शरीर की सभी छोटी बड़ी नसें इसी से आकर मिलती हैं, और फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट के पास चला जाता है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है जिस वजह से हमारी बॉडी में खून पहुंचता है और हम जिंदा रहते हैं। यानी हम इंसानों के जिंदा रहने के पीछे हमारे दिल का बहुत बड़ा हाथ है। अगर कहीं इसमें कोई खराबी आ गई तो ये पूरा प्रोसेस किसी एक जगह से भी रुक गया तो इंसान की धड़कनें रुक जाती हैं और वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। इस तरह की वीडियोस के लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।